चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। इस्लाम धर्म में साल में दो बार ईद मनाई जाती है। पहली ईद होती है ईद उल फितर और दूसरी होती है ईद उल जुहा। आज पूरे भारत सहित पूरे विश्व में फैले मुसलमान समुदाय के लोग ईद उल जुहा यानी बकरीद मना रहे हैं। इस दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद अपने प्रिय चीज की कुर्बानी दी जाती है। इस दिन सभी मुसलमान समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर लोगों से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। आज के लोग एक दूसरे से मिलना मिले पर मैसेज करके जरूर विश करते हैं। इस मौके पर भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने मुसलमान भाइयों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, ईद उल जुहा की सभी भोजपुरी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। पवन सिंह की यह शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में शेयर किया जा रहा है और मुसलमान फैंस पवन सिंह को भी ईद की मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन मुसलमान समुदाय के लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। इस दिन से कुछ दिन पहले बकरे को अपने घर में रखा जाता है और उसका पूरा ख्याल भी रखा जाता है। बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी अल्लाह के नाम से दी जाती है। आपको बताते चले कि ऐसी मान्यता है कि अल्लाह की मांग पर हजरत इमाम ने अपने बेटे का बलिदान किया था, जिसे सम्मान देने के लिए इस पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर मुसलमान समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। यह त्यौहार रमजान के महीने के खत्म होने के करीब 70 दिन के बाद बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है।